तो एक एक करके आप देखिए जानकारी आना शुरू हो गई है, लेकिन तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी चूक हुई है, कितनी बड़ी लापरवाही हुई है और इस ये हादसा कितना भीषण है। आप देखिए पूरी तरीके से जो बोगियां हैं वो डैमेज हो गई हैं और वो एक के ऊपर एक पड़ी हुई नजर आ रही है, पटरी से डीरेल हो चुकी है, मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी है। जो अब पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है, जो एनडीआरएफ के जवान है वो मौके पर पहुंच गए हैं और जो लोग जो यात्री अंदर हो सकते हैं उन्हें अब बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आइए एक बार फिर से आपको इन तस्वीरों से इस हादसे की गंभीरता और यह हादसा कितना भीषण है यह दिखाने की कोशिश करती हूं। एक मालगाड़ी जो कि उसी पटरी पर चली जाती है जिस पटरी पर पहले से कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, पीछे से टक्कर मारती है। टक्कर के बाद क्या हालात होते हैं वो तस्वीरों को देखिए और खुद समझिए। पूरी तरीके से डैमेज हो गए पीछे वाले जो डिब्बे हैं, पीछे वाली जो बोगियां हैं। जानकारी यह है कि इन तीन बोगियों में से एक पार्सल वैन है और दो पैसेंजर वैन हो सकती है। हालांकि अभी भी ऑफिशियल जानकारी जो है वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है, क्योंकि अभी प्राथमिकता यह है कि इस हादसे में जो लोग प्रभावित हुए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। आप देखिए कैसे बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं, आगे का हिस्सा पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से डिब्बे पिचक गए हैं। आप कह सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने क्रश कर दिया है इन बोगियों को। और अगर क्रश हुई है ये बोगियां तो आप समझिए अंदर जो लोग होंगे, जितनी भी जान होंगी, उनका हाल क्या हुआ होगा, उनकी स्थिति कैसी हुई होगी। आप देखिए इस डिब्बे को, आप देखिए ये डिब्बे को देखकर, इस बोगी को देखकर आप समझिए कि मालगाड़ी कितनी रफ्तार में थी। ये खड़ी हुई ट्रेन को टक्कर मारी है, उसके बाद ये जो डिब्बे हैं ये हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं, आगे से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मालगाड़ी का इंजन नजर आ रहा है, ये मालगाड़ी का इंजन है और इसी मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। रफ्तार इतनी थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के जो डिब्बे हैं वो हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इस इंजन ऊपर चढ़ गए हैं, आधा हिस्सा हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है। इनके अंदर जो पैसेंजर्स हैं, इनके अंदर जो भी लोग हैं, जो भी जिंदगी बाकी है, उन जिंदगियों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। आप यहां पर देखिए इस बोगी को अगर आप देखेंगे, इस बोगी की हालत को अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हादसा कितना जबरदस्त था, कितना भीषण था। यह बोगी पूरी तरीके से डैमेज है, यह हिस्सा देखिए टूटकर नीचे गिर चुका है। यह आपको जरूर यहां पर एक खिड़की नजर आ रही होगी, लेकिन यह हिस्सा पूरा टूटकर नीचे गिर चुका है। यह वाला हिस्सा ऐसा लग रहा है जैसे क्रश हो गया है, जैसे किसी बड़े से लोहे की एक वैन को क्रश किया जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ क्रश हो चुका है। मौके पर भीड़ जमा हो गई है, आसपास के लोग जमा हो गए हैं, क्योंकि शुरुआत में जो लोकल्स हैं वही इन जिंदगियों के लिए मदद बनकर आए। लोकल्स ने बाहर निकालना शुरू किया, जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही जो अब रेस्क्यू की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। ओंकार मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओंकार अब जरा बताइए स्थिति कितनी साफ हो पाई है, कितनी टीम है अभी राहत बचाव कार्य को लेकर जो मौके पर पहुंच गई है, कितने लोगों को बाहर निकाला गया है अभी तक? देखिए रात के लिए टीम अभी तो पहुंच चुकी है और टीम जाकर वहां पर जितने भी फंसे पैसेंजर है, यानी कि कंचनजंगा के पीछे के दो कंपार्टमेंट के जितने भी फंसे लोग हैं, उनको, जितने भी पैसेंजर है उनको बाहर निकालने का जो काम है वो जारी है। और जितने भी अभी तक घायल हो चुके हैं उनको नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। तो ये जो रांगापानी स्टेशन है, रांगापानी स्टेशन के नज़दीक जब कंचनजंगा खड़ी हुई थी तब पीछे से एक मालगाड़ी आई और मालगाड़ी बहुत जोर से टकरा की, और ये विजुअल जो सामने आ रहे हैं इससे एकदम क्लियर हो जा रहा है कि मालगाड़ी कितनी जोर से, कितने तेजी से वो आ रही थी। तो ये क्या सिग्नलिंग का प्रॉब्लम है, ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, रेलवे की तरफ से ये जानकारी अभी खोजा जा रहा है। तो लेकिन उससे पहले राहत देने का जो काम है वो राहत देने का काम अभी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार भी जुट गई है, अब इसके साथ साथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से भी सारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की गई है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो नंबर भी चालू कर दी गई है। तो जैसे कि ये ट्रेन कंचनजंगा ट्रेन ये त्रिपुरा से सियालदा आ रही थी, कोलकाता सियालदा, तो तभी जाके जो रांगापानी स्टेशन है उनके बीच में जब खड़ी हुई थी पीछे से ये मालगाड़ी आई और टकराव हो गया। और जैसे कि विजुअल सामने आ रही है तो ये कितना भयंकर दुर्घटना है। अच्छा, ये एक बार बताइए कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जो पीछे वाली बोगियां थी उनमें से एक पार्सल वैन थी, दो पैसेंजर वैन थी, क्या कुछ पता चल पाया है कितनी पार्सल वैन थी पीछे वाली बोगियां और कितनों में पैसेंजर थे?
जी देखिए, पीछे वाला में अभी तक जो प्राथमिकता से मिल पाई है कि एक पार्सल वैन थी, लेकिन वो पार्सल वैन के बाद वाला जो डब्बा था वो डब्बा पैसेंजर के लिए डब्बा हुआ था, तो उसमें कितने जन फंसे हुए हैं, उसमें कितना जन को राहत अभी तक मिल पाई है, क्या कोई जान अभी तक फंसी हुई है, यही सारा अभी चीज़ देखने वाली बात होगी। और ईस्टर्न रेलवे की तरफ से सभी व्यवस्थाएँ की गई है, रेलवे की तरफ से सभी व्यवस्थाएँ की गई है, राज्य सरकार की तरफ से भी जो रांगापानी स्टेशन है उनके नज़दीक में देखा गया है कि एम्बुलेंस वगैरह डॉक्टर वो सभी भेज दिए गए हैं, और जल्द से जल्द वहाँ से निकाल के नज़दीकी जो मेडिकल कॉलेज है यानी कि शिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर ले जाने की प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ ईस्टर्न रेलवे के जो अस्पताल है उस अस्पताल में भी जो घायल लोग हैं उनको ले जाया जा रहा है। तो अभी जो ये बात सामने आ रही है कि ये क्या सिग्नलिंग की त्रुटि थी, सिग्नलिंग व्यवस्था की जो वजह से क्या ये घटना घटी, ये अभी देखने वाली बात होगी। और इसमें जो जायजा अभी जांच पड़ताल, वो जांच पड़ताल अभी किया जा रहा है। तो अभी के लिए जितना भी जानकारी मिल पा रही है ये है कि काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं अभी तक। पीछे का डब्बा क्योंकि ये पार्सल वैन का था तो जो घायल होने की संख्या वो कम घट सकती है, कम सकती है, ये एक राहत वाली बात हो।